गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, आज हम आपका ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस की क्या होते हैं या हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस तो सबको पता होगा ना क्या होते हैं। आप जो बुक में पढ़ते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं, वो क्या है बेटा, वो हमारे सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन के सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कम्प्लीट सेंस। एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस किसके बारे में है। ठीक है, या इस सेंटेंस में कोई क्या क्या कह रहा है, हमें क्या बात समझाई गई है, किस चीज़ के बारे में बताया गया, वो पूरा बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड्स ऐसे ही लिख दे, जैसे आपके एग्जाम्पल है आई हैव अ पेट डॉग, एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, और हमें पता चल रहा है सेंटेंस किसके बारे में है कि एक जो गर्ल है वो कह रही है आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास क्या है, एक पेट डॉग है, एक कुत्ता है, है ना। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं पेट डॉग ए हैव आई, है ना, अगर मैं बोलूं पेट डॉग ए हैव आई, तो हमें पता चलेगा कोई क्या कहना चाह रहा है, आप सिर्फ ये समझ में आएगा एक पेट डॉग है, ये नहीं पता किसके पास है, कहाँ है, नहीं पता ना। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे सेंटेंस को आई हैव अ पेट डॉग, तो वो हम उस बात को समझ भी पाएंगे। ठीक है ना, अच्छे से। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, कि कंप्लीट सेंस बनाए, इसके हमें समझ में आए कि किसके बारे में क्या बात हो रही है। ठीक है, अब है कि सेंटेंस बनेगा कैसे। अच्छा, हम ये तो पता चल गया कि सही तरीके से सेंस निकलनी चाहिए, ऐसे बना, लेकिन बनाएं कैसे, है ना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस को शुरू कैसे करेंगे, तो क्या हम सेंटेंस लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले किसी का भी नाम लिखेंगे, है ना, चाहे वो प्लेस का नाम है, चाहे वो पर्सन का नाम है, चाहे वो एनिमल का नाम है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पहले तो हम नाउन लिखेंगे। अगर हम अपने बारे में लिख रहे हैं या किसी अपने फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं या किसी एनिमल के बारे में लिख रहे हैं, तो पहले तो हम उसका नाम डालेंगे। जैसे कि द काउ हैज़ फोर लेग्स, द काउ, काउ के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे हम काउ का ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम सारी बातें काउ के बारे में लिखेंगे ना। तो द काउ हैज़ फोर लेग्स, द काउ हैज़ वन लॉन्ग टेल, द काउ हैज़ टू हॉर्न्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, काउ के बारे में बात करें तो उसी के लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन या प्रोनाउन से अपने सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने आपको समझाया कि नाउन क्या है, कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। ठीक है, अब है प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, जैसे आपको इसमें लिखा था ना एग्जाम्पल आई हैव अ पेट डॉग, है ना, तो अगर इसके और बनाएंगे तो शी इज़ अ गुड गर्ल, है ना, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। तो ये क्या है आपके प्रोनाउन। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा लिखना, तो हम नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखेंगे। इस बात को अपने माइंड में रखना कि नाउन और प्रोनाउन से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, कि नेम लिखेंगे या तो, या फिर अपने आई यू वी दे। ठीक है, और उसके बाद हम अपना लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ही सॉरी इज एम आर हैज हैव, है ना, इज एम आर हैज हैव वाज वर्ब, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे आई एम अ गुड गर्ल, है ना, आई एम अ गुड गर्ल, सोनिया इज डांसिंग, है ना। तो अपना आप सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आप अपना जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, कि जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ डॉल या राम हैज़ अ कार,
तो कार, आप कार के बारे में बताना चाह रहे हैं ना, राम आपका नाउन हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और क्या हो गया, कार, आप कार के बारे में बताना चाहते हैं तो वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इसको आप लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अभी हम आपका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही ईट्स एन एप्पल, वो क्या खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है, ठीक है, हमें बिल्कुल पता चला ही क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, ईट्स वर्ब आ गई, उसके बाद एन एप्पल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या खा रहा है वो, एप्पल लास्ट में डाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं ईट्स एन एप्पल ही, ईट्स एन एप्पल ही, तो क्या समझ में आएगा कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है, नहीं ना। तो सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको कराऊं, ये देखो आपके इसमें भी दिया गया है, अ सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट इन मीनिंग, मीनिंग में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। और जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो जो उसका पहला अक्षर है, चाहे वो नाउन का है चाहे वो प्रोनाउन का है बेटा, वो क्या होगा, आपका कैपिटल बनेगा। आपको सिखाया गया ना कि जब भी आप अपना सेंटेंस लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर आप कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी जो भी आपने लिखना था, उसके बाद आप एक छोटी सी डॉट लगाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलेंगे, ठीक है। तो आपने आपके सेंटेंस लिखने के बाद आप एक फुल स्टॉप लगाएंगे। और मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड क्या होता है बेटा, आपका एक्शन वर्ड, यानी कि एक वर्ब, आपके सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। जैसे ईट्स मैंने बोला था, तो ईट्स क्या है, वो डूइंग वर्ड है, वो आपका वर्ब है, डूइंग वर्ड मतलब आपका वर्ब, तो आपको वो भी इसमें ऐड करना है, ठीक है, ज़रूर, बिकॉज डूइंग वर्ड के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है ना, ईट कर रहा है, राइट कर रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे है पुट आपका है, पुट अ टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस, जैसे आपने उसको टिक करना है जो सेंटेंस है, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में देखो आई आपका प्रोनाउन है, गो आपका डूइंग वर्ड है, टू स्कूल, स्कूल के जा रहे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं, आई गो कहाँ जा रहा हूँ, पता है कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल है, तो ये क्या है, टिक। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूँ, क्या ढूंढ सकता हूँ, कुछ बताया इसने नहीं, क्या ये सेंटेंस है, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। दिस ईयर क्या है, दिस ईयर कुछ भी नहीं है, पता चला सिर्फ दो वर्ड्स लिख के छोड़ दिए, तो क्या है ये भी एक सेंटेंस है, नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसे इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिल करना है, ठीक है, पेज नंबर 66 करना है और पेज नंबर 67 करना है।